नमस्कार, आप सभी का हमारे YouTube चैनल स्नेक रेस्क्यू टीम में स्वागत है। मैं कमल चौधरी और आरती अभी कैमरामैन बनी हुई है। हम राजकिशोर नगर देवके विहार में आए हुए हैं और जैसे अच्छे पड़ोसियों की निशानी जो ये सब बता रहे हैं कि यहाँ रॉटविलर डॉग है, दिखा सकते हैं, देखिए रॉटविलर डॉग है और यहाँ इन लोग छोटा से टॉप में ढाक दिए हैं कोबरा, और कोबरा से कम से कम इनका आधा पौन घंटा इनका फाइट हुआ है। ये श्योर करना श्योरिंग किए हम कि इसको बाइट हुआ कि नहीं हुआ, लेकिन कंटिन्यूस सलाइवा आ रहा है। तो हमने वेटनरी डॉक्टर को इन्फॉर्म किया है और हम तुरंत इस डॉग को ट्रीटमेंट देना ज़रूरी है। तो फिलहाल बाइट हुआ कि नहीं हुआ ये श्योर नहीं है। तो ये कोबरा है, हम इसे रेस्क्यू करते हैं। ये देखिए जिस तरह से डॉग को कंटिन्यूस सलाइवा आ रहा है, तो इससे ये पता चलता है या तो ये जब घंटा भर जो लड़ाई हुआ इनका, इसमें ये हम श्योर नहीं कि न कॉलोनी वाले देखे हैं कि इसको बाइट हुआ कि नहीं, इनको नहीं पता है। जहाँ तक ये बोल रहे बाइट नहीं हुआ, लेकिन इस किस कंडीशन में से सलाइवा आता है, या तो वो बहुत डरा हुआ है, थका हुआ है, उससे सलाइवा आता है, सेकेंड बाइट होने से। तो ये अभी हम जिस तरह से वेटनरी डॉक्टर से बात किए हैं कि सर अगर ऐसा लगता है तो अगर मोहल्ले वाले हमें बता देंगे कि थोड़ा सा क्रिटिकल कंडीशन हो रहा है, तो हम इमीडिएट इसको जो फर्स्ट एड देना है और इंजेक्शन लगाना है एंटीवेनम और डेक्शना वगैरह, ताकि सलाइवा का कंट्रोल हो, तो हम ट्रीटमेंट इसका भी ट्रीटमेंट करेंगे। तो चलिए सांप को हम रेस्क्यू करते हैं। ये देखिए इसको सांप को इंजोट किया है, इसके बाल है इसके मुंह में, डॉग के बाइट हुआ इसका मतलब। बाल दिख रहा है इसके मुंह पे, बाइट हुआ इसको, मुंह पे बाल दिख रहा है इसका, दिख रहा है। तो लाइट पे आते हैं उसको लेके, डॉक्टर साहब को बुला लेता हूँ फोन करके। अरे आप समझ नहीं रहे, उसके ऑनर के बिना छुएगा कौन उसको? नहीं नहीं गिरेगा नहीं सर, आप उसके लिए कम कर रहे हैं। बाल दिख रहा है, बाइट हुआ है, इसका ऑनर को बुलाइए। हाँ सर, कमल बोल रहा हूँ सर, ये शायद रॉटविलर से इसका फाइट हुआ है, कोई तो देखा नहीं, लेकिन ये बाइट हो गया मेरे को लग रहा है, क्योंकि इसके इसके मुंह पे सर कोबरा के मुंह पे ना डॉग के फर दिख रहे हैं, बाल दिख रहे हैं। तो आ जाएंगे सर काइंडली, सलाइवा तो बहुत आ रहे हैं सर इसको। नहीं मैं एंटी वेनम तो हम लोग अरेंज कर लेंगे और हम लोग देविका भी राजकिशोर नगर, और हम लोग यहाँ से ना कोशिश कर रहे हैं कि कॉलोनी वाले इनका नंबर कांटेक्ट करने के लिए घर के ऑनर का। हाँ घर के ऑनर का, तो प्लीज सर आप भी आ जाइए एंटी वेनम। तो उसका ऑनर को बुला रहे हैं, हम लोग कोशिश कर रहे हैं, ऑनर को बुला रहे हैं राजकिशोर नगर में स्मृति वन के सामने। हाँ हाँ ओके सर, ओके सर। ये देखिए स्पेक्टिकल कोबरा, और भले छोटा है लेकिन जिस तरह से हम हर वीडियो में जैसा बताते हैं कि ये पैदा होते ही हम इंसान या किसी भी जीव जंतु को मार सकते हैं, क्योंकि और जिस तरह से चलो हटाओ उसको। हमने अभी डॉक्टर साहब को इन्फॉर्म कर दिए हैं, इसके लिए हमने अभी एंटी वेनम भी मंगाए हैं, और हमारी कोशिश यही रहेगी कि इसको जल्द से जल्द ट्रीटमेंट किया जाए, ताकि डॉग भी बच जाए और इसे भी हम सही सलामत जंगल में छोड़ दें। तो मुंह देखो सलाइवा से कैसे भर गए हैं, मुंह के बाल दिख रहे हैं। बोलते हुए इसके स्पेक्टिकल कोबरा कहा जाता है सर, जिसे हम लोग न्यूकल में गेहूं या डोमी के नाम से जानते हैं। ये वेटनरी डॉक्टर जो कि मैं उनका नाम स्पेशली नहीं बता सकता हूँ, क्योंकि ये अच्छा काम कर रहे हैं, इसलिए अपने नाम को सामने नहीं लाते हैं, और जब भी हम बुलाते हैं सर को तो आते हैं एनिमल का फ्री ऑफ कॉस्ट किसी भी समय वो आके ट्रीटमेंट करते हैं। ये आज के डेट में बहुत बड़ी बात है कि इस स्वार्थी दुनिया में एक एनिमल के लिए इतना एफर्ट लगाते हैं। फर्स्ट एड कभी ट्रीटमेंट देना था वो डॉक्टर साहब दे चुके हैं। चलिए हम दुआ करते हैं कि डॉग को कुछ ना हो, और इसी तरह से हम एनिमल और लोगों की हेल्प करते रहेंगे। तब तक के लिए आप स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, व्यस्त रहिए। थैंक यू, जय हिंद, धन्यवाद।
लूनी अगर कुछ भी लगता है सर, आप इमीडिएट हमें इन्फॉर्म करिएगा, क्योंकि हमने बताया।